क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है और थैंक यू सर, और मैं स्पॉन्सरशिप ले चुका हूँ। हमारे पहले आते ही टीचर का पहला ये क्वेश्चन होता था कि कल के जो भी डाउट्स हैं वो हम पहले क्लियर कर लें, तो हम सारे डाउट्स पूछते थे और वो हमारे सारे आंसर्स देते थे। तो यू आर सेटिस्फाइड अबाउट फ्रॉम द फैसिलिटी फ्रॉम द DCG? यस सर, वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू क्लियर द एग्जाम थ्रू दिस DCG एकेडमी। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव आदित्य विद अस, द स्टूडेंट हु हैव क्लियर द IMCET 2023 एग्जाम। सो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने IMCET एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आपने अपने कब डिसाइड किया आपको IMCET जाना है, क्योंकि बहुत सारे करियर्स ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट के पास जाने के लिए। सर मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे भैया हैं वो ऑलरेडी IMCET में हैं और मर्चेंट नेवी में, वो एज अ कैप्टन इस वक्त गियर बल्क कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो उनके थ्रू मेरे को सजेशन मिला था कि मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छी फील्ड है अगर आपको आपकी सोर्सेज रिसोर्सेज और सबके तरीके से देखना है। तो मैंने तब डिसाइड किया था कि IMCET एक मैं अपनी लाइफ में एक प्रेफरेंस रखूँगा जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी लाइफ और फ्यूचर मिलेगा। ओके, तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन को कब स्टार्ट किया IMCET के लिए? सर मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दिया था। 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स और 12th स्टैंडर्ड के मेन चैप्टर्स से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर जब मैं DCG एकेडमी में आया तो इन्होंने मेरे को एक्चुअल में गाइड किया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी वजह से मेरा IMCET क्लियर हुआ है। ओके, सो सबसे पहले तो आदित्य ये बताइए कि एक्चुअल में जो IMCET का एग्ज़ाम होता है वो किस लेवल पर होता है, या उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? सर वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल का होता है और थोड़ा सा हायर जाता है, और जो इंग्लिश होती है वो बिल्कुल एकदम 12th स्टैंडर्ड की होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको थोड़ा सा हायर लेवल का रेडी करना पड़ता है ताकि आप पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपको डिफ़िकल्टी लाए, और जो हमारा एप्लीट्यूड होता है वो इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो हमें +1 और +2 में नहीं पढ़ाया जाता है, पर हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि उसके 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। ओके, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं हमारे वैसे? सर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश रहती है जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। ओके, एप्लीट्यूड रहता है जिसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर? सर नेगेटिव मार्किंग 0.25 अकॉर्डिंग, मतलब 1 क्वेश्चन के ऊपर 0.25। ठीक है, सो आदित्य आप ये मेरे को ये बताइए कि जब आपने बताया कि आपने 10th में डिसाइड कर लिया था और आपके बड़े भाई भी IMCET के थ्रू ऑफिसर कर रहे हैं, सो आपने अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप को कब ज्वाइन किया था फिर? सर मैंने दिल्ली कैरियर ग्रुप को आफ्टर माय 12th, जब मेरा 12th का रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने देखा कि मैं फ्री हूँ और मैं इस टाइम मैं एक्चुअल में कोचिंग ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पेपर को सिर्फ 2 ही मंथ रह गए थे, और मैंने तब दिल्ली कैरियर ग्रुप को एक साइट के थ्रू मैंने देखा था और फिर मैंने इसको उसी दौरान ज्वाइन कर लिया। ओके, तो जब आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप को ज्वाइन किया तो यहाँ आपकी जो क्लासेस होती थी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज या अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगती थी? सारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगती थी। सुबह 9 बजे से लेके हमारा 1 बजे तक शेड्यूल होता था और उसके बाद हमारे डाउट सेशन होता था। ओके, तो जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जहाँ पर आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? यस सर, मेरा हमेशा से मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहा है, पर मैं केमिस्ट्री में हमेशा से थोड़ा सा वीक रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर यहाँ पर जो मैम थी उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था और जिसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री में 20 में से 16 क्वेश्चन आराम से कर लिए थे। ओके, मीन्स 20 में से 16 अटैम्प्ट कर लिया और नो डाउट वो भी आपके सारे सही होंगे। ठीक है, सो जब आपने मतलब आप अपने आपको कि मतलब टाइम टेबल आपने अपना कैसे शेड्यूल बनाया था एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? सर सुबह हमारी एकेडमी होती थी तो 9 से 12 हम एकेडमी में होते थे, फिर हम वापस PG में जाते थे, फिर लंच करते थे, रेस्ट करते थे, और फिर शाम को हम थोड़ा खेलने चल जाते थे। उसके बाद जो टाइम बचता था 7 से लेकर रात के 1 बजे तक वो मेरा स्टडी टाइम रहता था। मीन्स आप इसके बाद यहाँ सेल्फ स्टडी पे भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेट्स से कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता था तो वो कैसे आप दूर करते थे उसी को? सर पहले तो मैं देखता था कि डाउट अगर मेरे लेवल का है तो मैं उसको अपनी बुक्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन देख लूँ, पर अगर मेरे को ऑनलाइन भी कई बार वो डायरेक्ट कर दिया होता तो समझ नहीं आता तो फिर मैं अगले दिन आके टीचर से कन्फर्म करता। तो टीचर्स आपको पूरा हेल्प करते थे आपके डाउट क्लियर करने में? सर उन्होंने हमारे पहले आते ही टीचर का पहला ये क्वेश्चन होता था कि कल के जो भी डाउट्स हैं वो हम पहले क्लियर कर लें, तो हम सारे डाउट्स पूछते थे और वो हमारे सारे आंसर्स देते थे। तो यू आर सेटिस्फाइड अबाउट फ्रॉम द फैसिलिटी फ्रॉम द DCG? यस सर, वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू क्लियर द एग्जाम थ्रू दिस DCG एकेडमी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब जैसे आपने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें? सर अब हमारी काउंसलिंग है जो आज से 6 बजे से पोर्टल ओपन हो गया है, हमें उसमें रजिस्टर करना है ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकें, और जिनका रैंक थोड़ा कम आया है तो वो
क्या करते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं जो उन्हें एडमिशन देते हैं, और अगर उनको DNS करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, तो उन्हें एक कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है ताकि उनको बाद में किसी कंपनी के थ्रू वेट ना करना पड़े कि हमें कोई आके हमें इस कंपनी के लिए पिक करे, ताकि वो पहले से रेडी रहें कि इस कंपनी हमें पिक किया और एक साल बाद हम श्योर हैं कि उस कंपनी में हम जाएंगे। ओके, तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना ट्राई कर रहे हो, तो तकरीबन कितनी वैकेंसीज या कितनी पोस्ट होती है वहाँ पर? 4000 पोस्ट होती हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज। ये आपकी मतलब गवर्नमेंट की होती हैं सर? ओके, इसके अलावा फिर प्राइवेट में भी होती हैं? यस सर, प्राइवेट में अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे तुलानी है मेन फेमस, समुद्रा है हमारा, ग्रेट ईस्टर्न और एंग्लो ईस्टर्न है जो बहुत फेमस है, बाकी भी बहुत कॉलेजेस हैं पर उनकी फिर रेटिंग्स नीचे चलती जाती हैं, और हर रैंक के बच्चे को जिसने CET का रैंक मिला होता है, जिसे जो 15,000 इस बार का लोएस्ट रैंक, उसको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है इसके अंदर जिसमें आपको अपने आपको लगता है कि मैं इसमें जाना चाहूँगा? यस सर, मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ही करना चाहूँगा, DNS जिसे बोलते हैं, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है और थैंक यू सर, और मैं स्पॉन्सरशिप ले चुका हूँ, और मुझे इसमें इसलिए जाना है क्योंकि ये 1 ईयर का रहता है, उसके बाद आप प्रीसीड ट्रेनिंग में चल जाते हो और वहाँ पे आपको स्टडी तो करते हैं पर आपको अलाउंसेस मिलते रहते हैं, मतलब आप एक टाइप से अर्न करना शुरू कर देते हो, बेशक वो लेस हो, आपकी ओरिजिनल इनकम नहीं होती उतनी, पर वो आपको अर्न करने पड़ते हैं। और जो BSc करते हैं जो बच्चे नॉटिकल साइंस में, उनको 3 ईयर का प्लान होता है, तो मेरे को लगता है कि वो लॉन्ग है, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका तो बिल्कुल पूरा सेट हो चुका है, एग्जाम क्लियर हो चुका है, स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, बस जस्ट आपको अपने काउंसलिंग करके अपने फेवरेट कॉलेज को फिलअप करना है। सो आदित्य, अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अपने स्पेशल टाइम को देने के लिए, और बहुत ही अच्छे वे से आपने क्लियर किया है कि एक्चुअल में IMCT होता क्या है और उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो आई होप कि कहीं ना कहीं ये भी आपके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, IMCT के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर मिलेगी। तो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you. Thank you very much.